हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी अगेन फैटी लिवर या फिर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपने जो थंबनेल है, जो उसका वीडियो का जो टाइटल है, उसमें आपने देख ही लिया होगा कि लिवर को डिटॉक्स करने का सबसे पावरफुल जो टेक्निक होती है वो क्या होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमें डेली जो है अपने अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए भी मैटर करता है हमारे लिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमें बाहरी रूप से सिम्टम्स दिखाई देते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, और जनरली हम उन्हीं जो सिम्टम्स हैं, जैसे एक्ने हैं या फिर आपके हाथों पर दाने निकल गए हैं, रैशेज होने लगे हैं, या फिर बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो प्रॉब्लम खड़ी करती हैं, या फिर ओबेसिटी होती है तो हम फैट फ्री डाइट करते हैं, या फिर हम वेट लॉस डाइट करते हैं, या फिर हम इस तरह की बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो उसका प्राइमरी कॉज होता है, जो उसका रूट कॉज होता है, हम उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो जनरली लोग डिटॉक्स करने के लिए काफी सारे टेक्निक्स जो होते हैं, काफी सारी चीजें जो होते हैं वो यूज करते हैं, बट आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसी पावरफुल टेक्निक जो कि आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में एक बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लिवर जो होता है, एक उसके अंदर जो एबिलिटी होती है वो होती है आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी पॉइजन्स होते हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स और जितने भी जीएमओ फूड जो आप दिन भर में खा लेते हैं उनको, ये और जो हैवी टॉक्सिन, जो हैवी मेटल्स होते हैं, उन सब चीजों को आपकी बॉडी से फ्लैश आउट करना, ये काम होता है लिवर का। और लिवर जो होता है एक ऐसा ऑर्गन होता है जो खुद से रीजेनरेट भी होता है अगर ये डैमेज हो जाता है तो, या फिर ये फैटी हो जाता है, तो ये काफी अच्छी बात भी है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से ये भी कहूंगी कि जो भी अगर आपका लिवर फैटी है या फिर आपका लिवर काफी टॉक्सिनेटेड है, तो जनरली होता क्या है कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपको पॉट बेली हो सकती है, आपको ओबेसिटी काफी हो सकती है, तो हम दूसरी चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आपका लिवर अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, काफी फैटी है, टॉक्सिनेटेड है, स्लगिश है, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ होती हैं, तो आपको थायराइड का इश्यू अगर आ जाता है, क्योंकि लिवर का काम होता है आपके T4 को T3 में कन्वर्ट करना, जिससे कि आपका जो बहुत सारी चीजें, जैसे आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, या फिर आपका मेटाबॉलिज्म है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम जो होता है आपका T3 हार्मोन करता है, जो मेन जो स्टार हार्मोन होता है। लेकिन अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप बजाय इसके कि आप अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करें या लिवर को क्लींस करें, उसके बजाय आप जो है हार्मोन्स जो मिलते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे लिवर थायरोक्सिन है या फिर सिंथ्रोइड जो भी मिलती है, उन चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं फिर भी अपने वीडियो के माध्यम से ये कहूंगी, क्योंकि मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, डोंट ईट मेडिसिन इन थायराइड प्रॉब्लम, लेकिन उसमें मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब था कि अगर आप अपने प्राइमरी कॉज पे काम नहीं करेंगे, तो जो सेकेंडरी प्रॉब्लम है वो एज इट इज रहेगी अगर आपने उसको ठीक करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं किया। क्योंकि जब हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, तो हम सिर्फ अपनी बॉडी को हार्मोन्स देते हैं ऊपर से, हम और इससे ज्यादा कुछ नहीं करते, तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बैक टू माय टॉपिक, मैं लिवर डिटॉक्सिफिकेशन की ही बात करूंगी। जो हमारा लिवर होता है वो दो स्टेप्स में काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, दो फेज में काम करता है हमारे जो डिटॉक्सिफिकेशन में। तो उसमें जो फेज वन होता है, उसमें क्या होता है, जब भी हैवी मेटल्स या फिर पॉइजनियस जो पार्टिकल्स होते हैं, या फिर टॉक्सिन पार्टिकल्स जो होते हैं, टॉक्सिक पार्टिकल्स जितने भी होते हैं, जब हमारे लिवर के अंदर आते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट के थ्रू आए, चाहे हमारे खाने के थ्रू आए, चाहे पानी के थ्रू आए, या किसी भी तरीके से जब हमारे लिवर के अंदर आते हैं, तो वो क्योंकि हमारा जो लिवर है उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स को तोड़ने का काम भी करता है, और फैट को अलग से, जो बाइल जूसेस होते हैं वो फैट को अलग से अलग अलग करने का काम करते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जो बाइल जूसेस होते हैं वो हमारे खाने को दो भाग में तोड़ते हैं। पहला होता है हमारे फैट्स, और दूसरा होता है हमारे विटामिन और मिनरल्स, यानी कि हमारे जो एनर्जी का सोर्स भी बनते हैं और फैट भी बनता है। तो इस तरीके से दो भागों में तोड़ने का काम करते हैं। और जो हमारे टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, वो कहीं ना कहीं, अगर मैं सिंपली वे में कहूं, तो वो हमारे जो फैट के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर स्टोर हो जाते हैं और डिपॉजिट होते हैं।
तो अब बात करते हैं कि उनको किस तरीके से रिलीज किया जाता है। तो फेज वन में जो होता है वो ये होता है कि वो जो सेल्स होते हैं वो टूटते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, वो सेल्स जो होते हैं, वो जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो टूटते हैं और एक हार्मलेस वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद जो फेज टू का काम होता है वो होता है उन पार्टिकल्स को, जो वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं, उनको आपकी बॉडी से बाहर निकालना। तो इस तरीके का प्रोसेस जो होता है वो हमारे लिवर के अंदर होता है फेज वन एंड फेज टू। फेज वन में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जो स्टक हो चुके हैं आपकी बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर, उनको कन्वर्ट करता है वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स में और तोड़ता है उनको। जैसे कि अगर मैं एस्ट्रोजन की बात करूं तो एस्ट्रोजन भी एक हार्मोन होता है जिसको, जो कि हमारे लिवर के अंदर ही टूटता है। और अगर वो लिवर के अंदर ना टूटे और बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने लग जाता है तो उसके सिम्टम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपने समटाइम्स आपने एस्ट्रोजन डोमिनेंस का नाम सुना होगा। तो ये सारी चीजें जो होती है यानी कि हमारी बॉडी जो होती है वो एस्ट्रोजन डोमिनेटेड हो जाती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि आपके जो लोअर पार्ट बॉडी पार्ट होता है उसमें काफी फैट आपको डिपॉजिट दिखाई देता है। तो ये काम जो होता है एस्ट्रोजन को तोड़ने का काम जो होता है ये भी आपका लिवर ही करता है और उसके बाद उसको आपकी बॉडी से फ्लैश आउट करने का काम करता है। तो अगर मैं इन जनरल आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो आपका फेज वन है उसमें आपके जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और फेज टू में वो बाहर निकलने का काम करते हैं। ये सिंपल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपका जो एक्सपोजर है, जो टॉक्सिन्स का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा रैपिड आपके लिवर के अंदर होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि जब आपका इस कंडीशन में आता है आपका लिवर आपका फैटी हो गया है, उस कंडीशन में आपको बता रही हूँ, जब आपका लिवर जो होता है बहुत ज्यादा टॉक्सिनेटेड हो जाता है, आपका पेट जो होता है वो काफी बढ़ा हुआ होता है, तब आपके जो फेज वन है उसका जो एक्सपोजर जो होता है टॉक्सिन्स का वो बहुत ज्यादा हो जाता है और उसका जो स्पीड होती है वो काफी बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है आपके बहुत सारे हार्मफुल जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स हैं, वो आपकी लिवर में इकट्ठा होने लगते हैं और जो फेज टू का जो काम है एलिमिनेट करना वो स्लो डाउन ही रहता है। तो वो जो पार्टिकल का डिपोजिशन जो है वो आपकी लिवर में काफी ज्यादा हो जाता है। अब जो आपके जो पावरफुल टेक्निक जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वैसे ये काफी लोगों ने इसके बारे में बताया हुआ है, दैट इज क्रूसिफर वेजिटेबल्स। जो क्रूसिफर वेजिटेबल होते हैं उनका काम होता है, वैसे अगर थायराइड की मैं बात करूं तो थायराइड में कहा जाता है कि जो क्रूसिफर वेजिटेबल्स हैं वो नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर आपके थायराइड ग्लैंड पे आयोडीन को डिप्लीट करती हैं, जिससे आपका जो थायराइड फंक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है फैटी लिवर की या फिर आपको प्रॉब्लम है तो आपको ट्वाइस इन अ वीक क्रूसिफर वेजिटेबल्स जो होती हैं वो जरूर लेनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिवर को क्लीन करने का काम करती है। तो जब आप क्रूसिफर वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर आप अपने डाइट में क्रूसिफर वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कैबेज है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है और मूली है, रेडिश जो होती है उसके पत्ते होते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं क्रूसिफर वेजिटेबल होते हैं, और केल जो कि इंडिया में अब अवेलेबल होने लगा है वो भी क्रूसिफर वेजिटेबल होती है। तो इसमें क्या होता है, जब आप इन चीजों को इंटेक करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है जो कि फेज वन जो है वो काफी हाई लेवल पर चला गया है और फेज टू जो है वो उसके साथ बैलेंस नहीं है, तो क्रूसिफर वेजिटेबल क्या करती है, फेज वन को स्लो डाउन करती है और फेज टू को हाई करती है। उससे क्या होता है, एलिमिनेशन फास्ट होता है और आपकी बॉडी से जितने भी वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं। तो ये जो जानकारी है ये मैंने आपको इसलिए दी है ताकि अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है और आपका जो लिवर है वो फैटी है, स्लगिश है, तो आप क्रूसिफर वेजिटेबल्स को यूज कीजिए, रॉ खाइए, बॉइल्ड खाइए या फिर स्टीम्ड खाइए, किसी भी तरह से आप खा सकते हैं, उसको सॉटे करके भी खा सकते हैं। इस तरह की वेजिटेबल अगर अपनी डाइट में आप इंक्लूड करते हैं तो ये काफी फायदा करता है। लेकिन अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आपको इसके साथ जो है सी कल्प, जिसके अंदर आयोडीन जो होता है वो काफी अच्छी मात्रा में होता है, तो आपको सी कल्प का सप्लीमेंट भी साथ में लेना चाहिए अगर आप ट्वाइस इन अ वीक क्रूसिफर वेजिटेबल्स लेते हैं अपने लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। और इसमें जो जब एस्ट्रोजन का भी प्रॉब्लम ठीक होता है और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो ठीक होती हैं, इसमें बहुत सारे, आप अगर अमेजोन पे आप सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको मिलेंगे जो कि क्रूसिफर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर क्रूसिफर का जो एक्सट्रैक्ट होता है वेजिटेबल्स का
वो आपको कैप्सूल की फॉर्म में मिलता है। और इसके अलावा एक और भी सप्लीमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डिम। ये डिम जो होता है ये भी ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रूसिफर वेजिटेबल्स के होते हैं। ये भी काफी हेल्प करता है आपको इस प्रॉब्लम से रिलीज करने में या रिलीफ लाने में लाने के लिए। तो आपको ये वीडियो उम्मीद है समझ में आया होगा। जब भी आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जब भी आप अपनी बॉडी को क्लींस करते हैं, स्पेशली लीवर की मैं बात करूं, लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन होता है, अगर वो ठीक से काम नहीं करता तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर मैं एस्ट्रोजन डोमिनेंस की बात करती हूँ, तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस में आपको फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट और पेनफुल लॉन्ग पीरियड्स और इस तरह की चीजें जो होती हैं, या फिर हॉट फ्लैशेज या फिर नाइट स्वेट, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। कई बार पैरों में सोते हुए बहुत गर्मी लगती है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, डिटॉक्सिफाई करने की बॉडी को बात करते हैं, तो क्रूसिफर वेजिटेबल्स को आप अपने ट्वाइस इन अ वीक अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। वैसे जो लेटेस्ट रिसर्च जो मैंने इसमें देखी है, वो जो मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं एज अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूं, और तभी मैं उनके जो जो नॉलेज मुझे वहां से मिलती है उसी के बेस्ड पर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूं। तो उसमें मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे क्रूसिफर वेजिटेबल जो है वो अपनी डाइट के अंदर लेते हैं, और उनको किसी भी तरह का कोई भी थायराइड इश्यू या फिर आयोडीन का नहीं है कोई प्रॉब्लम। और दूसरी जो मैं रिसर्च की बात करती हूँ कि जो आपके क्रूसिफर वेजिटेबल्स होते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये आपके थायराइड हॉर्मोन्स को किल करते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन ये आयोडीन को ब्लॉक करते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड को ब्लॉक करते हैं, जिससे कि आप, क्योंकि आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो तभी काम करता है जब उसको आयोडीन भी मिलता है। इसीलिए कहते हैं आयोडीन एक ट्रेस मिनरल है, इसकी जरूरत आपकी बॉडी को बहुत कम होती है, बहुत कम क्वांटिटी में होती है, माइक्रोग्राम्स में होती है, नॉट मिलीग्राम्स, माइक्रोग्राम्स में होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इन चीजों को फोकस करें तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारे जो सिरोसिस वगैरह होता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिटॉक्सिफाई योर लिवर, मैं आप लोगों को यही इसमें मैसेज दे सकती हूँ। और ये पावरफुल टेक्निक जो है, ये काफी लोगों ने इसके बारे में और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अभी तक जहां मैं पढ़ रही हूँ, जो चीज मैं रिसर्च कर रही हूँ, जो चीज मैं देख रही हूँ, उतनी ही नॉलेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात और ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और ट्राई जरूर कीजिए। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है और आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप जो आपके जो क्रूसिफर वेजिटेबल्स हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दूसरी बात, एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे ये VLCC में भी वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी लोग जाते हैं अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए। तो जो वहां पर मैंने देखा, वहां पर मैंने पाया कि जो जितने भी लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनको पत्ता गोभी बहुत खिलाई जाती है, या आपको पत्ता गोभी एक बोल भर के पत्ता गोभी खानी ही खानी है। लेकिन उसके पीछे का जो रीजन होता है वो ये होता है कि अगर आपकी टमी बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई है, बढ़ी हुई है, और आपने आपको अपना वेट रिड्यूस करना है, तो ये जो क्रूसिफर वेजिटेबल्स होते हैं ये आपके लिवर को बहुत तेजी से डिटॉक्सिफाई करना शुरू करते हैं, जिसमें से फैट्स भी काफी आपकी बॉडी से इंचेस में लॉस होने लग जाता है अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। तो वहां पर भी यही कंसेप्ट है, लेकिन उस कंसेप्ट के पीछे क्या नॉलेज है वो नहीं बताई जाती, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।